हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग में आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज हम लोग आप लोग बहुत कुछ खास बात बताने वाले हैं। तो जैसा कि मेरे साथ में हुआ, शायद आप लोग के साथ में ऐसा ना हो। मेरे साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया है, बहुत धोखेदारी की गई है। आज के ज़माने में किसी पर बिलीव करने लायक नहीं है, हम सब के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है अधिकतर ज़्यादातर। तो बताएं कि लोगों में मेरे साथ में क्या हुआ है। आप लोग ऐसा गलती कभी मत करना, मेरी भी गलती है, कुछ मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, पर हमने वैसा किया नहीं, तो आप लोग ऐसा ना करें। तो फ्रेंड, बैंक वालों ने BOB बैंक वालों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखेदारी किया है, जो कि मेरा यानी कि कल हम तो फ्रेंड कल गए थे हम मार्केट, यानी कि कुछ मतलब पैसा निकलवाने कैश, तो थोड़ा कुछ काम था, तो ज़्यादा तो नहीं था बट थोड़ा काम था, तो हम निकलवाए थे पैसा। तो उसमें जिसमें कि पैसा निकालने के बाद उन्होंने मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा धोखेदारी, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडी की है। तो शायद आप लोग के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। और कभी भी जाएँ बैंक में जाएँ तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, जैसे कि हमने नहीं समझा था, इसीलिए मेरे साथ हमेशा हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है। जाएंगे तो उन्होंने पैसा देने के बाद, यानी कि जितना हम बोला उतना तो पैसा दे दिए, बट निकल मतलब उसमें कॉपी रजिस्टर पे चढ़ा दिए, लेकिन उतना पैसा दिए नहीं हैं, पैसा लेने के बाद गिने भी नहीं हैं। और मतलब एक दो घंटा के बाद पैसा गिने, तो शायद पैसा उसमें 1000 पैसा कम था, और हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसा गलती कभी ना करें। और आज जाएंगे, फ़ोन किए थे उनके पास जो भैया थे बैंक में, तो फ़ोन किए थे, बोले कि आना अगर CCTV